हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने इंस्टीट्यूशन की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी कंग पाव चिकन जो कि मैंने सीखी थी तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ उसको तो चलें हम सीखते हैं अपने शेफ़ से तो यहाँ पे आपको रेसिपी कार्ड साइड में आ रहा है आप ये सारी रेसिपी को मैंशन है इसको फॉलो कर लीजिएगा सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने थ्री टू फोर टेबल स्पून ऑयल डाला और ऑयल डालने के साथ हम इसमें डाल देंगे चिकन चिकन हमने 500 ग्राम ली है बोनलेस और इसको हमने हाई फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई करना है अराउंड थ्री टू फोर मिनट्स तक अच्छा अगर आपको नीड हो इसमें तो आप इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसमें हम गार्लिक चॉप ऐड कर देंगे अब हम इसमें गार्लिक चॉप ऐड कर देंगे थ्री टेबल स्पून और साथ ही साथ हम इसमें तमाम सॉसेजेस ऐड कर देंगे यानी कि लाइक ऑयस्टर सॉस सोया सॉस और कैचअप इसमें हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा अच्छे से और फ़्राई करेंगे इसे अराउंड फाइव मिनट्स हमने इसमें इस फ़्राई करना है दैन इसमें हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी आठ से दस अच्छा इस रेसिपी में जो है ना ब्लैक पेपर मैंने ऐड नहीं किया ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा हाफ टी स्पून लास्ट में देखें शेफ़ ने इसमें डाला था ब्लैक पेपर और सबसे लास्ट में इसमें डाल दिया हमने फ्राइड पिनट्स लास्ट में हम इसको सर्व करेंगे फ्राइड राइस के साथ तो आपने एक बाउल में इस तरह से राइस ले लिया और उसको सेट करने के बाद हमने इस तरह से जो है कंग पाव चिकन को राइस के साथ सर्व किया ज़रूर तो ट्राई कीजिएगा इस कंग पाव चिकन की रेसिपी को बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन हाफिज़